चलिए पहला क्वेश्चन एट नंबर एक बताऊंगा आप ऑटोमेटिकली धीरे धीरे कर डालोगे। एट नंबर क्वेश्चन पहले क्या लिखा पढ़ो स्टार्टिंग में पास द एडजस्टमेंट एंट्री फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन एंड शो देयर इफेक्ट इन फाइनल अकाउंट। ठीक है एट नंबर में पहले तो जनरल एंट्री करनी है अपन जनरल एंट्री कर लें जनरल एंट्री नंबर वन पहला क्वेश्चन पहला पॉइंट पढ़ो क्या लिखा है इंश्योरेंस इज प्रीपेड। अब प्रीपेड की एंट्री क्या लिखवाई थी लिस्ट में है क्या जी प्रीपेड एक्सपेंस तो कौन सा एक्सपेंस है प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट या टू चलेगा क्या वैल्यू है 125 दूसरा बताओ उसकी सैलरी आउटस्टैंडिंग वर्ड मिल गया ना सैलरी का तो क्या एंट्री बनी थी सैलरी अकाउंट या आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी वैल्यू है 200 रुपए पर मंथ है सर 3 महीने की पर मंथ है पर मंथ है यस सर कमीशन रिसीव 600 ऑफ इट एक बटा 3 इज फॉर नेक्स्ट ईयर जो कमीशन तुमको मिला है उसमें 1/3 दो अगले साल का है तो बताओ इनमें से कौन सा दूसरा आउटस्टैंडिंग प्रीपेड अक्रूड अनअक्रूड ये होता है एक्सपेंस के लिए ये होता है इनकम के लिए अब मुझे बताओ इन चारों में वो कौन सा सर अनअक्रूड है अगले साल का अभी से मिल गया इसमें आया ना करेक्ट चलेगा अब अनअक्रूड की एंट्री क्या होगी कमीशन अकाउंट दिया था कमीशन दिया टू अनअक्रूड कमीशन कितना 600 है उसका 1/3 दो 600 का 1/3 कितना हुआ 200 चलेगा अगला बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करता है इज आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट या टू इंटरेस्ट टू 2000 आउटस्टैंडिंग वर्ड आ जाएगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन चलेगा सर ये भी लिखे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को दोनों जगह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे लिख दोगे ऊपर लिखा है अगली लाइन डेप्रिसिएशन बिल्डिंग बाय 5% ऑन 20,000 अमाउंट कितना 250 अगला डेप्रिसिएशन बिल्डिंग बाय 5% ऑन 20,000 20,000 का 5% डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन अकाउंट डियर टू बिल्डिंग डेप्रिसिएशन अकाउंट डियर टू बिल्डिंग 20,000 का 5% अब हम यस सर हो गया यस सर चलेगा यस सर ये क्या हुआ अभी अपन ने जो किया वो था जर्नल अब बताना है ये प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में कैसे लिखा जाएगा ये बात ध्यान से समझना जो मैंने वो दूसरा वाला चार्ट बनवाया था वो चार्ट को उठाओ चार्ट उठाओ जो सेकंड वाला बताया है हाँ जैसे प्लस माइनस लिखा है उठाए नहीं उठाए है ना दुबईले में पड़ा हुआ है अभी भी आप ही में आना है इसको मैं आई थी कि मैं बोली थी मैं रहूंगी तो मैं आपके फेर सर एक दिन का मैं भूले गया हूँ ना चलो मेरा ले जाओ करके ले आते हैं सर ध्यान दो इधर प्रीपेड ढूंढो उसमें प्रीपेड में क्या किया हुआ है माइनस प्लस नंबर माइनस ये है एक नंबर ये है दो नंबर ये है तीन नंबर
ये चार नंबर, एक नंबर माइनस, एक नंबर में माइनस हुआ है। यस सर। हाँ कि ना? यस सर। हाँ अफॉर्मेट पर यस देखो लिखा। यस सर। हाँ सर बोलिए। एक में माइनस ऐसे में प्लस इनमें नहीं दिखते आये सब चीज़। त्रिकट, त्रिकट के बगल में देखो एक दो तीन चार नंबर लिखे हैं। हाँ सर। माइनस है फर्स्ट में माइनस है और चार में प्लस। अब दिमाग लगाना देखो याद कैसे होगा ये कहाँ माइनस होगा कहाँ प्लस। एक का दुश्मन मतलब एक का दुश्मन चार है। हाँ। एक का दोस्त तीन है। दुश्मन का दोस्त चार है। याद है दुश्मन तीन दोस्त वाला। एक का दोस्त दोस्त तीन, दो का दोस्त चार, एक का दुश्मन चार चार, दो का तीन है ना चलेगा। अब एक नंबर में माइनस हुआ। इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस यहाँ लिखते हो कि यहाँ यहाँ लिखते हो ना तीन यहाँ पे ना। ये ट्रेडिंग है, ये प्रॉफिट एंड लॉस है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते हो ना इंश्योरेंस। यहाँ इंश्योरेंस लिखोगे, यहाँ वैल्यू नहीं मालूम, यहाँ वैल्यू हमको नहीं मालूम। लेकिन हम प्रीपेड को क्या करते हैं कितना 125 ऐसे शो करेंगे। यहाँ वैल्यू होगी तो उससे माइनस होकर बाहर आ जाएगा। लेकिन अभी इस क्वेश्चन में वैल्यू नहीं है। आपसे पूछा कि इसको कहाँ लिखेंगे ये बताओ। मैं बताया यहाँ लिखी और कहाँ लिखेंगे तो प्रीपेड इंश्योरेंस 125। अब बताओ देखो अब यहाँ तो इंश्योरेंस लिखा नहीं होता। लिखा होता है यहाँ इंश्योरेंस नहीं लिखा तो डायरेक्ट लिख देंगे। डायरेक्ट लिखना मतलब प्लस। समझ आ रही कि नहीं? अगला पॉइंट क्या है? अब देखो वो एक नंबर में प्लस हुई होगी। यस सर। एक नंबर में प्लस हुई है? यस सर। हाँ कि ना? उसी के ऊपर रिपेयर के ऊपर ही एक नंबर में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिखा है। अब सैलरी कहाँ लिखा होता है? इधर की इधर ये लिखा होता है तू सैलरी अभी मालूम नहीं है और आउटस्टैंडिंग क्या हो जाता है प्लस। कितना 600। और एक नंबर में प्लस हुआ तो तीन नंबर में जाएगा। प्लस यहाँ लिख देंगे आउटस्टैंडिंग 600 सैलरी चलेगा। अगला कमीशन। अब कमीशन कहाँ लिखा होता था? दरवाजे सैलरी के नीचे अनअक्रूड लिखा है यानी इनकम वाला आइटम। यस सर। अनअक्रूड क्या होता है देखो। अनअक्रूड माइनस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस प्लस लायबिलिटी। दो नंबर में माइनस हुआ कहाँ जाएगा? तीन नंबर में। दो का दोस्त चार है लेकिन प्लस होता तब आता। माइनस हुआ तो इधर यानी दिया अनअक्रूड कमीशन 200 चलेगा। अगला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल कहाँ लिखी होती है? कैपिटल कहाँ होती है? लायबिलिटी बैलेंस शीट में। कहाँ लायबिलिटी में? तीन नंबर कैपिटल यहाँ लिखते थे। अभी हमको कैपिटल कितनी दी हुई है? कैपिटल कितनी दी हुई है क्वेश्चन में? कैपिटल 20,000 दी है। ध्यान से देख लो कैपिटल दिए क्या? माइनस होगा कैपिटल नहीं दी ना और उसका इंटरेस्ट तो दिया है। इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? 10,000 कितना? 250। अब तीन नंबर में प्लस हुआ तो कहाँ जाएगा? नहीं तीन का दोस्त कौन? एक नंबर। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है क्या? सर लिख दो तू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर उसका भाई होगा तो उसमें जोड़ना है तो भाई होगा तो उससे घटाना है लेकिन जब नहीं है तो अकेला लिख देना। अगला बताओ डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। बिल्डिंग कहाँ लिखी होती? यहाँ लिख दिया हमने बिल्डिंग 20,000 लिखी थी। अब बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी की घटी? घटी। डेप्रिसिएशन से घटती है ना। 1,000 रुपया घट गया। 19,000 कहाँ जाएगा? ये एक नंबर में जाएगा। टू ऑन
हाँ ना यस अब रियल अकाउंट बस शुरू अभी शुरू नहीं हुआ असली अकाउंट अब चालू हो गया ओके एड हो थोड़ा थोड़ा ना पल्ले पड़ेगा टेंशन ना लो ये सर अब घर में तुम्हारा काम क्या है मैं उसको लिख समझना मेरी बात यस सर घर में तुम्हारा काम ये है ये बन रहा है ना पोर्शन यस सर ये करो ये बच्चे का छोड़ नीचे वाला पोर्शन टेबल बना के आ सकते हो यस सर जितना बन जाए उतना कर लो तो नहीं बना टेबल बना के आ जाओगे बस कितनी एंट्री है पांच जो कितनी लाइनें लगी थ्रेडिंग में कितनी लाइन लगी दो एक दो तीन चार पाँच छह चार नीचे दस है ना आठ दस लाइन का ये बना लो चार पांच लाइन का ये बना लो फिर अगला क्वेश्चन लगा बस समझ में आ रही है अभी आप ये क्वेश्चन तो मैं ग्रुप में डाल दे रहा हूँ ठीक है अब आप इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है नाइन नंबर उसकी जर्नल एंट्री अभी करके देखो इसके बाद कुछ नहीं करना खत्म ना टोटल टोटल कुछ नहीं करना बोल सर अच्छी बात बच्चा